लीवर हमारे शरीर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि लीवर के सेहत पर ही हमारा सेहत टिका हुआ है। यदि आपके लीवर में कोई खराबी आई है तो इसे खतरे की घंटी समझें। लोगों के बीच ये भी भ्रम रहता है कि जो शराब पीता है सिर्फ उसकी ही लीवर खराब होती है। ऐसा नहीं है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। हालांकि लीवर के खराब होने के लक्षणों के बारे में लोगों के पास जानकारी का अभाव है, इसलिए हम आपको सबसे पहले लीवर के खराब होने के लक्षणों को बताएंगे। नंबर वन, मुंह से बदबू आना। मुंह से गंदी बदबू आने के कई कारण हैं। लीवर का खराब होना भी उन्हीं कारणों में से एक है। लीवर के खराब होने पर मुंह से गंदी बदबू इसलिए आती है क्योंकि मुंह में अमोनिया ज्यादा रिसता है। नंबर दो, त्वचा का खराब होना। यदि आपकी त्वचा का रंग उड़ गया है और उस पर सफेद रंग के धब्बे पड़ने लगे हैं तो समझिए कि लीवर खराब है। लीवर खराब होने का एक और संकेत है कि स्किन क्षतिग्रस्त होने लगेगी और उस पर थकान दिखाई पड़ने लगेगी। नंबर तीन, पाचन तंत्र में खराबी। पाचन तंत्र के खराब होने का भी ये कारण हो सकता है कि आपके लीवर में कोई समस्या आ गई है। इस दौरान आपके लीवर पर वसा जमा हुआ हो सकता है या फिर वह बड़ा हो गया है तो फिर आपको पानी भी हजम नहीं होगा। नंबर चार, गहरे रंग का मल। यदि आपकी पेशाब या मल हर रोज गहरे रंग का आने लगे तो लीवर गड़बड़ है। यदि ऐसा केवल एक बार होता है तो यह केवल पानी की कमी की वजह से हो सकता है। नंबर पाँच, आँखों में पीलापन। यदि आपके आँखों का सफेद भाग पीला नजर आने लगे और नाखून पीले दिखने लगे तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। इसका यह मतलब होता है कि आपका लीवर संक्रमित है। नंबर छह, मुंह के स्वाद में कड़वापन आना। लीवर एक एंजाइम पैदा करता है जिसका नाम होता है बाइल, जो कि स्वाद में बहुत खराब लगता है। यदि आपके मुंह से कड़वाहट आने लगे तो इसका मतलब है आपके मुंह तक बाइल पहुंच चुका है। नंबर सात, पेट में सूजन। जब लीवर बड़ा हो जाता है तो पेट में सूजन आ सकती है, जिसको हम अक्सर मोटापा समझने की भूल कर बैठते हैं। लीवर में आई खराबी को दूर करने के बहुत सारे घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी परेशानी कम कर सकते हैं। नंबर एक, नारियल पानी। लीवर के हर रोग में हरे नारियल का पानी बेहद कारगर है। दिन में दो या तीन हरे नारियल का पानी पीना चाहिए। इसका रिजल्ट किसी भी एलोपैथी दवा से कई गुना अधिक तेज काम करेगी। नंबर दो, हल्दी। इसमें एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है। हल्दी की रोग निरोधक क्षमता हेपेटाइटिस बी और सी का कारण बनने वाले वायरस को बढ़ने से रोकती है। हल्दी को अपने खाने में शामिल करें या रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पिएं। नंबर तीन, सेब का सिरका। लीवर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। भोजन से पहले सेब के सिरके को पीने से शरीर की चर्बी घटती है। सेब के सिरके को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर चार, आंवला। विटामिन सी के सबसे संपन्न स्रोतों में से एक है और इसका सेवन लीवर की कार्यशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। आंवला में लीवर को सुरक्षित रखने वाले सभी तत्व मौजूद हैं। लीवर के स्वास्थ्य के लिए आपको दिन में चार से पाँच कच्चे आंवले खाने चाहिए। नंबर पाँच, मुलेठी। लीवर की बीमारियों के इलाज के लिए मुलेठी का इस्तेमाल कई आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। इसके सेवन के लिए मुलेठी की जड़ का पाउडर बनाकर इसे उबलते पानी में डालें, फिर ठंडा होने पर छान लें। नंबर छह, अलसी के बीज। फिट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की उपस्थिति के कारण अलसी के बीज हार्मोन को ब्लड में घूमने से रोकता है और लीवर के तनाव को कम करता है। अलसी के बीज को पीसकर इस्तेमाल करने से लीवर के रोगों को दूर रखने में मदद करता है। नंबर सात, एवोकैडो और अखरोट। एवोकैडो और अखरोट में मौजूद ग्लूटाथाइन लीवर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर इसकी सफाई करता है। नंबर आठ, पपीता। लीवर की बीमारियों के लिए सबसे सुरक्षित प्राकृतिक उपचार में से एक है, विशेष रूप से लीवर सिरोसिस के लिए हर रोज दो चम्मच पपीता के रस में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिएं। नंबर नौ, सिंगपर्णी। जड़ की चाय लीवर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले उपचारों में से एक है। अधिक लाभ पाने के लिए इस चाय को दिन में दो बार पिएं। आप चाहे तो जड़ को पानी में उबालकर पानी को छानकर पी सकते हैं। धन्यवाद।